नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 28 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आपके लिए खुशखबरी है। काफी सारे डिमांड्स के बाद हम विद्यार्थी दर्शकों के लिए एक अलग से सीरीज लेकर आए हैं, जिसका नाम नॉलेज पॉइंट है। यह हमारे चैनल बिहारी न्यूज पर सुबह 10 बजे प्रसारित होती है। इस वीडियो सीरीज में हम आपको 11 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो आप भी इस वीडियो को जरूर देखें। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। अब कानून के तहत होगा पुश्तैनी जमीन का बंटवारा। उत्तर बिहार के लोगों के लिए जल्द ही शुरू होगी आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन। बिहार में चलाया जाएगा विशेष टीकाकरण अभियान। पंचायत चुनाव में मतगणना के लिए किए जा रहे हैं ओसीआर तकनीक का इस्तेमाल। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए छात्र को करियर पोर्टल पर करना होगा लॉगिन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब कानून के तहत होगी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा। बिहार में जमीन से जुड़े विवाद आम है। परिवार चाहे कोई भी हो, जमीन संबंधी विवाद वहां देखने को मिल ही जाएंगे। यही कारण है कि बिहार सरकार समय समय पर जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे को लेकर नए नए नियमों को लागू करती रहती है। इसी कड़ी में पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर बिहार सरकार नया नियम बनाने जा रही है, जिसके तहत अब बहुमत के आधार पर पारिवारिक जमीन के बंटवारे के लिए राज्य सरकार कानून बनाएगी। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि विभाग ने प्रारूप भी तैयार कर लिया है। वही विभागीय मंत्री रामसूरत राय की माने तो प्रारूप के संबंध में अधिकारियों से उनकी बातचीत हो रही है, जिसके बाद अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इसको तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा समय भी लग सकता है। दिल्ली में रह रहे बिहारियों के लिए जल्द ही शुरू होगा जनसंवाद। अगर आप भी दिल्ली में रह रहे हैं या आपके कोई जान पहचान के दिल्ली में रह रहे हैं, तो उनके लिए हमारी ये खबर कुछ खास है, क्योंकि जल्द ही दिल्ली में रहने वाले बिहारियों के लिए जनसंवाद की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रह रहे बिहार के लोगों को जमीन के बारे में जानकारी देने जा रहा है। इस दौरान राजस्व विभाग के अधिकारी लोगों को बताएंगे कि किस तरह वो दिल्ली में रहकर ऑनलाइन सेवाओं के जरिए अपनी जमीन का दाखिल खारिज करा सकते हैं, साथ ही लगान जमा कर सकते हैं और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। इसको लेकर द्वारिका स्थित बिहार सदन में 30-31 अक्टूबर को जनसंवाद का आयोजन किया गया है। छठ महापर्व के बाद बिहार से 4 जोड़ी छठ स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। बिहार में दिवाली और छठ को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इसी बीच बिहार आने वालों की संख्या काफी तादाद में बढ़ने वाली है। हालांकि आने वालों के लिए तो रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की बात तो कही है, साथ ही छठ महापर्व के बाद यात्रियों को वापस लौटने में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जो कि पूर्व मध्य रेल द्वारा पटना, बरौनी और दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और पुणे के मध्य 4 जोड़ी छठ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इनमें पटना आनंद विहार टर्मिनस, पटना पुणे, पटना बरौनी लोकमान्य तिलक टर्मिनस बरौनी तथा दरभंगा दिल्ली दरभंगा सहित कुल 4 जोड़ी छठ स्पेशल ट्रेन शामिल है। इन स्पेशल ट्रेनों के सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे और इससे यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। गया जिले के ब्रह्मयोनी पर्वत पर आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने के लिए 440 सीढ़ियों को पार करना होता है। इसके शिखर पर भगवान शिव का मंदिर है। यह मंदिर विशाल बरगद के पेड़ के नीचे स्थित है, जहां पिंडदान किया जाता है। इस स्थान का उल्लेख रामायण में भी किया गया है। दंत कथाओं पर विश्वास किया जाए तो पहले फल्गु नदी इस पहाड़ी के ऊपर से बहती थी, लेकिन देवी सीता के श्राप से प्रभाव से अब यह नदी पहाड़ी के नीचे से बहती है। यह पहाड़ी हिंदुओं के लिए काफी पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। यह मारनपुर के निकट है। बिहार में चलाया जाएगा विशेष टीकाकरण अभियान। आज बिहार के विभिन्न जिलों में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाना है, जिसके तहत आज बिहार में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को उनके घर पर जाकर स्वास्थ्य कर्मी कोरोना टीका देंगे। स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद कोरोना टीका से वंचित सभी व्यक्तियों को कोरोना टीका देने और पहला डोज ले चुके व्यक्तियों को भी कोरोना टीका का दूसरा डोज देने का निर्णय लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर के बाद भी अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो टीका नहीं लेना चाह रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हाल ही में घर घर कराए गए सर्वे में 10 लाख से अधिक लोगों ने 3 अलग अलग प्रमुख कारणों से टीका लेने से इनकार किया है। हालांकि अब ऐसे लोगों को ही समझाने और टीका देने की कोशिश की जाएगी। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को करियर पोर्टल पर करना होगा लॉगिन। स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति से लेकर अन्य योजनाओं का लाभ
अगर लेना चाह रहे हैं तो आपको बिहार करियर पोर्टल ऐप पर लॉगिन अनिवार्य रूप से करना ही होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि बिहार करियर पोर्टल ऐप पर लॉगिन नहीं करने वाले स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति से लेकर अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस बाबत पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए बिहार करियर पोर्ट ऐप पर लॉगिन करने के लिए पंजीकृत नंबर से आईडी क्रिएट की गई है। बिहार करियर गाइडेंस पोर्टल के अति महत्वपूर्ण उद्देश्य की जानकारी छात्र छात्राओं को नहीं रहने के कारण से जिले के हजारों छात्र छात्राओं को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। पोर्टल से छात्रों को जोड़ने के लिए कोचिंग संस्थान को भी बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर दे दी गई है। मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टरों ने किया हड़ताल। बीते दिन बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के लगभग 1000 इंटर्न डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया था। मिली जानकारी के अनुसार 5 साल से स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है, इससे इंटर्न डॉक्टरों में आक्रोश है, जिसके कारण ही बीते दिन आधे घंटे के लिए ओपीडी सेवा को बंद करवा दिया गया था, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी इंटर्न डॉक्टरों के सपोर्ट में उतर गया है और जूनियर डॉक्टर भी सहयोग कर रहे हैं। आईएमए बिहार के डॉक्टर अजय कुमार का कहना है कि स्टाइपेंड वो इंटर्न की मांग का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से जायज है। वहीं खबर लिखे जाने तक पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से लेकर राज्य के सभी अस्पतालों में आंशिक हड़ताल के बाद गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कही गई थी। छठ महापर्व को लेकर गंगा घाटों का सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत 8 नवंबर को नहाई खाई के साथ शुरू हो जाएगी। इसको लेकर सीएम नीतीश ने बीते दिन पटना के गंगा घाटों का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सहित कई नेता इसमें शामिल थे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने स्टीमर से गंगा के कई घाटों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। घाटों पर साफ सफाई के साथ ही मरम्मति कार्य जारी है, साथ ही अप्रोच पथ का भी काम शुरू कर दिया गया है। ऐसे में बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ मिलकर घाटों का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे प्रभाकर शरण की। आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे बिहारी अभिनेता की जिसने हॉलीवुड में अपना नाम रोशन किया है। जी हां, आज हम बात करेंगे प्रभाकर शरण की। प्रभाकर शरण का जन्म बिहार के मोतिहारी जिले में साल 1980 में हुआ था। बिहार से कोस्टारिका तक का सफर तय करने वाले इस अभिनेता ने बॉलीवुड तो बॉलीवुड, हॉलीवुड में भी बिहार का मान बढ़ाया है। बिहार की धरती ने बॉलीवुड को भी बहुत बड़े नाम दिए हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और नए मुकाम को हासिल किया है। इसी कड़ी में हम आपसे एक ऐसे हीरो की बात कर रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में अपने अभिनय का प्रदर्शन तो किया ही, बॉलीवुड के नकारे जाने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और हॉलीवुड में बिहार का मान और अपना नाम बनाया है। गंगा नदी में छोड़ी गई 20 लाख छोटी मछलियां। बिहार की राजधानी पटना में बीते दिन गंगा नदी में 20 लाख छोटी मछलियों को छोड़ने का काम किया गया है, जो कि बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने किया। इस दौरान हालांकि उन्होंने गंगा नदी में मछली मारने वाले मछुआरों से भी बातचीत की, साथ ही उन्होंने मछुआरों से अपील की है कि वो छोटी मछलियों का शिकार ना करें। यदि छोटी मछलियां जाल में फंसती भी हैं तो उसे वापस गंगा नदी में छोड़ देने की जरूरत है, उन्हें बड़ा होने दें, छोटी मछलियों को ना मारें। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा है कि मछलियों के गंगा में रहने से गंगा स्वच्छ और निर्मल होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मत्स्य संपदा योजना पूरे देश में चलाई जा रही है, उसी के तहत बुधवार को 20 लाख छोटी मछली गंगा नदी में छोड़ी गई है। बिहार में अब नहीं दिखेगा पराली का धुआं। बिहार में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, यही कारण है कि बिहार सरकार समय समय पर प्रदूषण को कम करने के उपाय ढूंढती आई है, जिसमें एक बड़ा कारण पराली जलाना निकल कर सामने आया है। हालांकि अब बिहार में पराली के धुएं के छूमंतर होने की जानकारी निकल कर के सामने आई है। चूंकि राज्य में खरीफ फसलों की कटनी शुरू होने वाली है, इसको देखते हुए कृषि विभाग ने पराली प्रबंधन की कोशिश शुरू कर दी है। खेतों में पड़े फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए कृषि विभाग अब कृषि यंत्र बैंक की स्थापना करेगी। इसके लिए 9 जिलों को चुन लिया गया है जहां बैंक बनाए जाएंगे, जिसके तहत कैमूर, रोहतास, भोजपुर, नालंदा, बक्सर, पटना, नवादा, गया और औरंगाबाद जिले में 20 लाख रुपए तक की लागत वाले कुलपच्च स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर यानी कि कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी। बीपीएससी ने सीडीपीओ परीक्षा के लिए जारी किए विशेष निर्देश। बीपीएससी ने सीडीपीओ परीक्षा के लिए विशेष निर्देश को जारी कर दिया है, जिसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की परीक्षा के लिए तारीख की घोषणा कर दी है। इसको लेकर आयोग के संयुक्त सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही खनिज विकास पदाधिकारी के पदों के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ये परीक्षा 6 फरवरी 2022 को आयोजित करवाए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि
आयोग ने यह भी साफ किया है कि प्रशासनिक कारणों से परीक्षा की तारीख में बदलाव किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आयोग की तरफ से हाल ही में राज्य में CDPO की 55 सीटों के लिए मार्च 2021 में वैकेंसी जारी की गई थी। के लोगों के लिए जल्द ही शुरू होगी आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन। उत्तर बिहार के लोगों के लिए अहम सूचना। इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पर्यटकों की मांग को देखते हुए आस्था सर्किट स्पेशल चलाने का निर्णय लिया है, जो कि 25 नवंबर से शुरू होने वाली है। ज्ञात हो ये ट्रेन पटना होते हुए माता वैष्णो देवी और उत्तर भारत का दर्शन कराएगी। इस ट्रेन का हर दिन का किराया 900 रुपए प्रति व्यक्ति है। ऐसे में अगर आप भी अब इस ट्रेन पर सफर करना चाहते हैं तो जल्दी करें, क्योंकि यह ट्रेन 25 नवंबर को रक्सौल से खुलकर सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा, बक्सर, दिलदार नगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए माता वैष्णो देवी दर्शन कराने जा रही है। छठ के आयोजन पर पिघली दिल्ली सरकार। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर बिहारियों की संख्या भरमार है। ऐसे में बिहार की आस्था का प्रतीक छठ महापर्व मनाने वालों की संख्या भी बहुत है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसके आयोजन पर रोक लगाए जाने से दिल्ली में रह रहे बिहार वासियों को निराशा हाथ लगी थी। लेकिन इन सब के बीच अब दिल्ली में रह रहे बिहारियों के लिए खुशखबरी आई है, जिसके तहत राजधानी दिल्ली में छठ के आयोजन की अनुमति मिल गई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी जानकारी दी। न्यूज एजेंसी ANI ने सिसोदिया के हवाले से बताया है कि DDMA की आज की बैठक में फैसला किया गया है कि दिल्ली में छठ पूजा की इजाजत दे दी जाएगी। हालांकि ये सरकार द्वारा पहले से तय किए गए स्थानों पर बहुत सख्त प्रोटोकॉल के साथ किया जाएगा। कोरोना काल में सबसे सुरक्षित बताए गए बिहार के नवजात। कोरोना के कारण बीते 2 साल से आम नागरिकों का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट में बिहार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके तहत इस रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि जहां एक तरफ कोरोना काल में सबसे ज्यादा बुजुर्ग और युवा इससे प्रभावित हुए थे, वहीं इस दौरान बिहार के नवजात सबसे ज्यादा सुरक्षित थे। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट की माने तो साल 2017 में बिहार में शिशुओं के जान जाने की दर 35 प्रति 1,000 पर बताई गई थी, जो साल 2019 में घटकर 29 प्रति 1,000 हो गई है। वहीं अब राज्य के शिशु के जान गंवाने की दर देश में सबसे कम है। इस बाबत स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बिहार में 10 साल में नवजात शिशु की हालात में काफी सुधार हुआ है। बिहार में 10 सालों में शिशु के जान जाने की दर में 23 अंकों की कमी आई है। दिवाली और छठ में नहीं होगी बिजली की कोई समस्या। बिहार में जल्द ही त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। हालांकि इन सब के बीच बीते कुछ दिनों से कोयले की कमी की खबर सामने आ रही थी, जिससे बिहार में बिजली की समस्या उत्पन्न होने की बात भी कही गई थी। ऐसे में लोगों को इस बात की आशंका थी कि आने वाले दिनों में कहीं बिजली की समस्या उन्हें परेशान न करे, लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोयले संकट की स्थिति खत्म है और सेंट्रल सेक्टर से बिहार को कोटे के हिसाब से बिजली की आपूर्ति हो रही है। मौसम की मेहरबानी से बिजली की मांग भी कम हुई है, इसके कारण भी बिजली कंपनी को राहत मिली है। मांग में फिलहाल 20% की कमी हो जाने के बाद कहीं संकट की स्थिति नहीं है। इस दौरान बिहार में 5600 से 6000 मेगावाट की उपलब्धता की कार्य योजना बनाई गई है। बिहार में पंचायतों के फंड से खरीदे जाएंगे अस्पतालों के लिए उपकरण। बिहार के ग्रामीण और शहरी अस्पतालों की सेवाओं में सुधार के लिए पंचायत और शहरी निकाय जनप्रतिनिधि फंड से चालू वित्तीय वर्ष से लेकर 2026-27 तक 6,017 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट में इस बात का प्रावधान किया है, जिसके तहत अब पंचायतों और शहरी निकाय क्षेत्र के अस्पतालों के निर्माण और सेवाओं के सुधार करने में इस राशि का खर्च किया जाएगा। केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा पहली बार पंचायत और नगर निकायों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए राशि का आवंटन किया गया है। इसको लेकर आयोग ने पंचायती राज विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग को राशि प्राप्त करने के लिए अलग शीर्ष खोलने का आदेश जारी किया है। भक्त चरण दास ने सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच में बातचीत का बताया सच। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास को लेकर बिहार की राजनीति इन दिनों गर्म है। पहले लालू प्रसाद यादव के बयान और फिर अब भक्त चरण दास के खुद के बयान के कारण वो एक बार फिर से चर्चा का पात्र बन गए हैं। इसी बीच बीते दिन सुबह से ही मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी के बीच में फोन पर बातचीत हुई है, लेकिन इन सभी बातों को भक्त चरण दास ने खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि चुनावी लाभ उठाने के लिए लालू जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वो ये कहते फिर रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान से उनकी बातचीत हुई है, जबकि सच्चाई ये है ही नहीं। ऐसी किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। इसके साथ ही भक्त चरण दास ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। पंचायत चुनाव में मतगणना के लिए किया जा रहा है OCR तकनीक का इस्तेमाल।
इस साल का पंचायत चुनाव कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि पंचायत चुनाव के दौरान ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, साथ ही बायोमेट्रिक मशीन का प्रयोग किया जा रहा है जिससे बोगस वोटिंग को रोका जा सके। इसी बीच बिहार पंचायत चुनाव के मतगणना में ओसीआर टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जा रहा है, जो कि पूरे देश में पहली बार हुआ है। इसको लेकर बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि आयोग के स्तर पर तकनीकी नवप्रवर्तन में कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, जैसे मतदान के समय में बोगस या फर्जी मतदान को रोकने के लिए मतदाताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन से मतदान कराया जा रहा है। भेसानों के बाद जनसभा को संबोधित करने के लिए मैदान में जब लालू उतरे तो उनकी आवाज को सुनने के लिए पूरा जनसैलाब इकट्ठा हो गया। जिसके बाद क्या था, आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर लालू यादव ने राजद के पक्ष में वोट देने की बात तो कही ही, इस दौरान उन्होंने सरकार को भी सही ढंग से निशाने पर लिया, जिसके तहत उन्होंने सीएम नीतीश के उस बयान का जवाब दिया जिसमें मुख्यमंत्री जी ने जान लेने की बात कही थी, जिस पर लालू यादव ने कहा कि हम क्यों किसी की जान लेंगे, वो खुद ही जब समय आएगा गुजर जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमने मीडिया से बातचीत में नीतीश सरकार के विसर्जन की बात कही थी, उनकी नहीं। बेरोजगारों के लिए तेजस्वी ने शुरू की बड़ी तैयारी। बेरोजगारी के मुद्दे पर बिहार सरकार हमेशा से ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निशाने पर रही है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का निर्णय लिया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन बिहार में बढ़ रही बेरोजगारी से निजात के लिए बड़ी घोषणा की है और कहा है कि आगामी वर्ष के शुरुआत से ही वो पटना में बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़ा रैली का आयोजन करने वाले हैं, जिससे कि बिहार सरकार को उनके वादों की याद समय समय पर दिलाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को लेकर वो चिंतित है, जिस तरह से कल तारापुर में उन्होंने रोजगार मांग कर रहे युवाओं को लेकर चिल्लाते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी वो हैरान करने वाली है। रोजगार मांगने के लिए जब कोई आवाज उठाता है तो पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है। दुनिया को अलविदा कहने के बाद पैन और आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर जान लेंगे नियम। आधार कार्ड आज के समय में जरूरी दस्तावेजों में से एक है, ऐसे में जीते जी तो ये दोनों कार्ड आपके बड़े काम के होते ही हैं, लेकिन जान कमाने के बाद दुनिया को अलविदा कहने वाले व्यक्ति के पैन और आधार कार्ड का क्या करें, सवाल ये है। जानकारों की माने तो इन दोनों कार्डों को संभाल कर रखना चाहिए जब तक ये पूरी तरह से बंद नहीं हो जाते। उदाहरण के रूप में ITR दाखिल करते समय पैन कार्ड जब तक रखना चाहिए जब तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से लेकर IT डिपार्टमेंट की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। इसके साथ ही याद रहे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो 4 साल के असेसमेंट को दोबारा खोल सकता है। ऐसे में अगर जान गंवाने वाले व्यक्ति का कोई भी टैक्स रिफंड बकाया है तो इस बात को सुनिश्चित कर ले कि वो उसके खाते में क्रेडिट हो गया हो, यानी खाते में रिफंड आ गया। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई। जर्मनी के चांसलर गेरहार्ड श्रोडर 2001 में भारत की यात्रा पर आए। जापान के प्रधानमंत्री जुनिशिरो अजुमी के विशेष दूत योशितो मोरी भारत दौरे पर आए थे। भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर उर्जित पटेल का जन्म 1963 में आज ही के दिन हुआ था। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भागिनी निवेदिता का आयरलैंड में 1867 को जन्म आज ही के दिन हुआ था। अकबर के बेटे जहांगीर का निधन 1627 में आज के दिन हुआ था। लोकप्रिय उपन्यासकार राजेंद्र यादव का निधन 2013 में आज ही के दिन हुआ था। कोच बनने के लिए राहुल द्रविड़ ने दिया आवेदन। दीवार के नाम से प्रख्यात भारत के पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम के हेड कोच के लिए आवेदन कर दिया है। द्रविड़ ने आवेदन करने के अंतिम दिन अप्लाई किया, इसका मतलब तो यही हुआ कि राहुल द्रविड़ ही टीम इंडिया के अगले हेड कोच होंगे। द्रविड़ फिलहाल नेशनल क्रिकेट अकेडमी यानी NCA के अध्यक्ष है। द्रविड़ के टीम इंडिया के कोच बन जाने के बाद NCA की जिम्मेदारी VVS लक्ष्मण या अनिल कुंबले में से किसी एक को दी जा सकती है। गौरतलब है कि भारत के पूर्व तेज गेंदबाज और द्रविड़ के भरोसेमंद सहयोगी पारस महाबरे ने सोमवार को गेंदबाजी कोच पद के लिए आवेदन किया था। पारस को द्रविड़ का भरोसेमंद माना जाता है, वो द्रविड़ के साथ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में काम कर चुके हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 27 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,060 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,300 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,600 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 111.24 रुपए प्रति लीटर और डीजल 102.93 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है जीशान पासवान, प्रिंसेस जारा, कृष्णा मुरारी, दिव्यांश कुमारी, शंकर मुखिया, सुभाष कुमार, रामलाल कुमार, बबीता यादव, माही आनंद, सत्येंद्र पासवान, अजीम फिरदौस, आशुतोष कुमार, अनिल कुमार, भरत प्रसाद, प्रमोद कुमार, युवराज शर्मा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके आसपास की सबसे बड़ी समस्या क्या है। अपने जवाब हमें अपने जिले के नाम के साथ
साथ कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।